तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से बहुत ही चटपटा क्रिस्पी नाश्ता। ये जितना ऊपर से क्रिस्पी है उतना ही अंदर से सॉफ्ट है। यह नाश्ता बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार होता है और इसे बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, निर्मलाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स मिलकर बनाते हैं इस रेसिपी को। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और इसके अंदर गेहूं का आटा ले लेंगे। ये मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है। आटा वही है जिससे हम डेली रोटी बनाते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर मिलाया है। आधा चम्मच ही हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और अच्छे कलर के लिए हम इसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी की मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर एक चम्मच अजवाइन की मिक्स कर देंगे। अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर निकल के आए इसका। और एक चम्मच हम इसके अंदर ऑयल की मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा नाश्ता बहुत ही खस्ता बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस तरह से। सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हम इस 2 चम्मच गेहूं के आटे को इस तरह से अलग रख लेंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो को हम ना ही ज़्यादा सख्त रखेंगे और ना ही ज़्यादा मुलायम रखेंगे। जिस डो से हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल, बस वैसा ही हमें डो तैयार करना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। ढक्कन लगा करके इसको साइड में रख देंगे और हम अगली तैयारी कर लेते हैं हमारे इस नाश्ते के लिए। अब ये मैंने 2 आलू लिए हैं उबले हुए। आलू को हम अब ग्रेट कर लेंगे। मीडियम साइज़ वाले ग्रेटर से हम इसको ग्रेट करेंगे ताकि लच्छे बारीक निकले, जिससे क्या होगा हम नाश्ते बनाते वक्त हमारा नाश्ता फटेगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से हम इनको कद्दूकस कर लेंगे। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसके अंदर एक बारीक कटा हुआ प्याज मिक्स कर देंगे और ये एक हरी मिर्च है इसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये मिला देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला देंगे। आधा चम्मच हम इसके अंदर भुना हुआ जीरा मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक की मिला देंगे। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार मिलाएंगे। और ये आधा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, इसको बारीक पीस करके इस तरह से मिला देंगे इसके अंदर। अगर आप काली मिर्च ना मिक्स करना चाहें तो चिली फ्लेक्स भी मिला सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। ये लीजिए हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। आटे को भी रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा मसल करके और चिकना बना लेंगे। आटा हमारा तैयार है नाश्ता बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस आटे से 2 लोइयां बना लेंगे इस तरह से बड़ी बड़ी, ताकि हमें बेलने में दिक्कत ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब हम एक चकला बेलन लेंगे और इसके ऊपर इस लोई को आटे में लपेट करके एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। रोटी को हम ना ही ज़्यादा पतला बेलेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा बेलेंगे। रोटी से ज़रा सा पतला बेलना है हमें। ये देखिए इस तरह से थिकनेस रखेंगे हम इस रोटी को। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी ना, ये डाल लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से आधे मसाले को ही हम इसके ऊपर फैलाएंगे और इस मसाले को हम हाथ से फैलाएंगे इस तरह से। और इसकी पतली सी लेयर बनानी है हमें इसके ऊपर, ज़्यादा मोटा हमें इसको नहीं रखना है, नहीं तो हम नाश्ता बनाते वक्त ये फट सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब इस तरह से फैलाने के बाद हम इसको एक रोल बना लेंगे, इसका टाइट सा रोल बनाएंगे इसके बाद फैलाने के बाद। ये देखिए इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे इस रोटी को हल्के हाथों से। अब इस तरह से रोल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ऐसे, ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, चाकू से इसके कट लगा देंगे। कट हमें आधा इंच की दूरी पर लगाना है इस तरह से। इससे ज़्यादा बड़ा हम इसको कट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा नाश्ता अच्छे से फ्राई नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम कट लगा देंगे इसके।
ये देखिए, अब हम एक लोई लेंगे और इसको हाथ पे इस तरह से गोल करके कि इसको चपटा कर देंगे ऐसे, ये देखिए इस तरह से, ताकि ये नाश्ता थोड़ा साइज़ इसकी पतली हो जाए और फ्राई अच्छे से हो जाए, अंदर से कच्चा ना रहे ये। ये देखिए इस तरह से बना करके हम इसको प्लेट में रख लेंगे। चलिए तो हम सारे नाश्ते को इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए मैंने सभी को बना लिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और जो हमने आटा रखा था ना 2 चम्मच, उसका अब हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। अगर चावल का आटा ना हो तो कोई बात नहीं, हम इसके अंदर 2 चम्मच सूजी की मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा ऊपर से। ये देखिए अब हम इसके अंदर पानी डाल करके एक घोल तैयार कर लेंगे। पानी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल करके हम इस तरह से घोल तैयार करेंगे, और पकौड़ों के घोल से थोड़ा हमें इसको पतला ही रखना है, क्योंकि जिस नाश्ते को हमने बनाया है ना उसको हम इसके अंदर डीप करेंगे। ये देखिए अगर इस घोल को हम ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो लेयर ज़्यादा मोटी हो जाएगी। अब हम इस एक फोक से इसको इस तरह से निकाल करके डीप कर लेंगे, ताकि ये एक्स्ट्रा घोल इसके अंदर निकल जाएगा। ये देखिए गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है, ऑयल को मैंने हीट आने तक गर्म कर लिया है। अब हम इस नाश्ते को इस तरह से इस घोल में डीप कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, इसको फ्राई कर लेंगे ऐसे तेल के अंदर। एक्स्ट्रा घोल को हम इस तरह से निकाल करके इस तरह से डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे सारे नाश्ते को हम इस तरह से डाल देते हैं अब इसके अंदर। कुछ सेकंड इनको फ्राई होने के बाद हम इसको अलट पलट करेंगे, हल्का सा लाइट कलर आने के बाद हम इसको पलट देंगे ऐसे। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। ये देखिए इस तरह से गैस की आंच को हम मीडियम रखेंगे और इस तरह से हम इनको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो नाश्ता तो हमारा फ्राई हो ही रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए अब हम इसको इस तरह से अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेते हैं। हमें इसका डार्क गोल्डन कलर करना है, तभी हमारा नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यकीन मानिए नाश्ता इतना अच्छा बनेगा कि आप कचौड़ी समोसा तो खाना बिल्कुल भूल ही जाओगे। ये देखिए हमें इसका इतना ही डार्क कलर करना है। अब हम इसके एक्स्ट्रा तेल को झाड़ते हुए इस तरह से निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हम इसका डार्क कलर नहीं करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहे ना बिल्कुल ज़बरदस्त। मन कर रहा होगा कि अभी बना के खा लें इसको, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। ये देखिए इस तरह से प्लेट में रख लेंगे और दूसरा बेज भी हम इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सुपर टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर के तैयार है। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जितने ये ऊपर से क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। इस नाश्ते को आप टमेटो सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये। और आप इस तरह से इसको बना के देंगे ना तो बहुत ही अच्छे लगेंगे बच्चों को तो। और ये हेल्दी तो इतने हैं क्योंकि हमने इनको गेहूँ के आटे से बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से इस नाश्ते को बनाएंगे ना तो सभी को पसंद आएगा ये, और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये नाश्ते बनाने की रेसिपी कैसी लगी? है ना ज़बरदस्त। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।